पोलीस टाइम्स पोलीस व सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज। पूर्व सांसद तथा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर खुशाल बोपचे की सत्य पोलीस टाइम्स की टीम ने विश्राम भवन भंडारा में मुलाकात की। उन्होंने सत्य पोलीस टाइम्स के प्रतिनिधि के साथ चर्चा करते हुए कहा कि ओबीसी की जनगणना जब तक नहीं होती तब तक ओबीसी समाज का विकास असंभव है। ओबीसी की क्रिमिनल की अर्थ रद्द करना चाहिए। किसान की उम्र 55 साल के होने के बाद 5,000 पेंशन लागू कराना और ओबीसी समाज को जागरूक होने की बात कही। ओबीसी एससी एसटी सभी मिलकर सड़क से लेकर सांसद तक की लड़ाई लड़ने की बात कही। स्वातंत्र का 75वां साल हम मना रहे हैं, फिर भी इस देश के अंदर जो बहुत तादाद में जो ओबीसी समाज है उनकी आज देश भारत देश के अंदर जनगणना नहीं हो रही। आप उसके बारे में आपकी क्या राय है? राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन महासंघ के अध्यक्ष इस नाते आपने जो प्रश्न मुझे किया है, देश के 75वीं स्वर्ण महोत्सव हमने मतलब मना तो लिया है, लेकिन आज भी ये शोकांतिका है। जबकि देश का ओबीसी देश का बहुजन हमेशा मांग करता है कि हर 10-10 साल में जनगणना होना चाहिए। जब देश आज़ाद नहीं था तब तक के जनगणना हुई है और देश के ये 70 साल के आज़ादी में हमारी जनगणना नहीं हुई। आज हम जो अपनी लड़ाई अधिकार की लड़ते हैं तो हम ये कितनी भी लड़ते रहे लेकिन जब तक के जात निहाय जनगणना ओबीसी की नहीं होती तब तक ओबीसियों को न्याय नहीं मिल सकता और कोई भी कोर्ट हमको न्याय दे नहीं सकता, ये मेरा मत है। और इसलिए सबसे बड़ी मांग राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन महासंघ की ये है कि भी देश में अभी होने वाली जो मतलब जनगणना है उस जनगणना में ओबीसियों का भी समावेश होना चाहिए और जात निहाय ये जनगणना होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो राष्ट्रीय नहीं पूरे देश के स्तर पर, राज्यों तक के इसको सीमित हम नहीं रखेंगे, तो राष्ट्र तक के एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का मानस ये राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन महासंघ का है और उसके कार्य की शुरुआत हमने गोंदिया जिले से शुरू की है, जिसकी ये आज भंडारा जिले की दूसरी बैठक है। आज शाम को नागपुर जिले के रवि भवन में तीसरी भी बैठक हम लोग संपन्न करने वाले हैं और इसलिए जात निहाय जनगणना ये होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो तब तक कितनी भी कोई भी सरकार आए वह ये हमारे प्रवर को न्याय दे नहीं सकती। संविधान लिखा तो उस समय में आर्टिकल 340 ये पहले लिखा ओबीसीओ के लिए और आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, लेकिन उनको जो आरक्षण आज मिलता है उसका कारण ऐसा था कि उस समय में उनके जाति की यादियाँ ये पूरे विस्तार के साथ में बन चुकी थी और ओबीसी इस देश में जो 52% उस समय का था तो वो यादी काफ़ी बड़ी थी और पूरे देश में लगभग मतलब ओबीसीओं की संख्या 3,500 से ऊपर है, जिसमें महाराष्ट्र में लगभग 327 जात है। तो इसके कारण वह बिल पास पार्लियामेंट में नहीं हुआ और उसके कारण आज भी इन्हें ओबीसी ये अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। सर आज बहुत ओबीसी लोग जो है जो संविधान ने जो आरक्षण दिया है आरक्षण का लाभ SC ST को मिला है ऐसे लोग ओबीसी बोलते हैं, आपकी क्या राय है? नहीं तो वही मैं अभी बता रहा था कि भी SC और ST को लाभ इसलिए मिला कि भी उनकी जो जातियों की यादी थी तो उस समय वो कंप्लीट हो चुकी थी और उसके कारण उनको आरक्षण जो पार्लियामेंट में बिल पास होने के कारण मिला उसका कायदा बन गया, शेड्यूल बन गया और ओबीसी का शेड्यूल आज भी बना नहीं है क्योंकि उसके लिए ही कालेकर आयोग की निर्मित ये बनाई गई थी। दुर्भाग्य से वो कालेकर आयोग का कभी भी पार्लियामेंट के पटल पे आज भी वो रिपोर्ट आई नहीं, आने के पहले उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में मंडल आयोग की भी जो रचना हुई तो वो मंडल आयोग में भी मतलब दो कल में खाली, उस समय में देश के पंत प्रधान तत्कालीन VP सिंह जी इन्होंने 7 अगस्त को लागू किया और उसके कारण आज VP सिंह जी को ओबीसी का मसीहा माना जाता है। जो किसान लोग हैं किसान के बारे में आपकी क्या राय?
किसानों के संदर्भ में मैं राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन महासंघ से एक मांग करते आया हूँ कि भी किसान जो खेती करता है तो आज तक के किसान को उत्पादन खर्च के ऊपर में आधारित बाजार भाव मिला नहीं है और आज भी नहीं मिल रहा है, और इसलिए वो जो उत्पादन करता है वो उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन माना जाए और वो है राष्ट्रीय उत्पादन, उसके कारण सारी जनता पलती है। और इसीलिए अगर जो आदमी राष्ट्रीय उत्पादन करता है, इसलिए किसान और उसके खेत में काम करने वाला खेतीहर मजदूर, ये असल में राष्ट्रीय उत्पादन का हकदार है, और इसीलिए वो इतना मेहनत का काम है कि भी वो उम्र के 50-55 साल में पूरा आउट हो जाता है, यानी मतलब वो बूढ़ा हो जाता है। और इसीलिए सरकार कोई भी आए, लेकिन वो सरकार से हमारी मांग रहेगी कि भी राष्ट्रीय उत्पादन करने वाले किसान और किसानी में काम करने वाला खेतीहर मजदूर, इसकी उम्र अगर 55 साल की हो जाती है तो 55 साल के बाद में उसको पेंशन योजना कम से कम 5,000 ये भारत सरकार ने लागू करना चाहिए, इस प्रकार की मनशा ये हमारी किसानों के संदर्भ में है। अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ तो आप बहुजन समाज को आप क्या संदेश देंगे? जो आरक्षण लागू नहीं हुआ है इसके लिए ही ये लड़ाई है, लेकिन ये आरक्षण के लड़ाई को पूरा करने के लिए जब तक के इस देश के ओबीसीओं की जनगणना नहीं होगी तब तक वही बोल रहा हूँ मैं कि भी उनको न्याय मिल नहीं सकता, और इसके कारण ये जात निहाय जनगणना भारत में होना ही चाहिए। अब जब भी जनगणना होगी तो उसमें ओबीसी का कॉलम अगर नहीं रहेगा तो इस देश में बहुत बड़ा जन आंदोलन हमको खड़ा करना पड़ेगा, सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, लेकिन ये हमारे साथ में अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि सरकार ने नहीं किया तो आप रास्ते की लड़ाई लड़ोगे? हाँ, ये राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन महासंघ की स्थापना ही हमने इसलिए किए है कि भी गली से लेके तो दिल्ली तक के ये लड़ाई हम सड़क पे आके लड़ेंगे। भारत के संविधान में कहीं पर भी क्रिमिनियर ये शब्द का उल्लेख नहीं है, मतलब क्रिमिनियर ये जो मांग की जाती है, ये जब बाबा साहब ने ये कहा था कि भी मतलब 52% ओबीसी है तो उनको 50% आरक्षण देना चाहिए, ये बात चल करके वीपी सिंह जी ने जब मंडल आयोग लागू किया तो उन्होंने 50% आरक्षण की बात की थी, लेकिन ये 50% आरक्षण ये जो सवर्ण लोग हैं इनको हजम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने इस बात को कोर्ट में डाले और कोर्ट में डालने के कारण फिर कोर्ट से उन्होंने 27% यानी रिड्यूस करा करके कराया, और उसमें भी वो देने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कोर्ट के माध्यम से क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर नाम का ये नया ठंडा ये इन लोगों ने कोर्ट से निकाले हैं, ये संविधान का नहीं है। हमारे राष्ट्रपति थे, अभी भी राष्ट्रपति नई जो आई है मुर्मू, तो यहाँ भी आदिवासी हैं, लेकिन बाबा साहब ने ये संविधान में लिखा है कि अगर भारत का कोई राष्ट्रपति हो जाए, पंतप्रधान हो जाए, मंत्री हो जाए, राज्य का हो जाए, क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर, तो ये आपको आप क्रिमिलियर में आते हैं, उसके लिए अलग से कोई कायदा या ये मतलब नियम लगाने की गरज नहीं है, लेकिन ये लगाने के कारण ओबीसी आज अड़चन में आया है, और इसके कारण ये पूरा यानी क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर विषय ही निरस्त भारत सरकार ने करना चाहिए, ये मांग राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन महासंघ की है। अभी इतने साल हुए, अभी तक ओबीसी समाज को जो न्याय है पूरी तरह जो यानी एक साथ लड़ाई, संगठन बहुत से हो सकते हैं, वो सब संगठनों ने एक मिलकर ये लड़ाई जब तक के लड़ने का प्रयास अगर नहीं किया तो हमारे को न्याय नहीं मिलेगा, और इसलिए इसके लिए हमको करना है। मेरी तो बहुत यानी मैं काफ़ी पहले से इस बात की मांग कर रहा हूँ कि भी क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर ये विषय ही समाप्त करो ना, ये संवैधानिक नहीं है, ये कोर्ट से पैदा किया गया है, और इसीलिए मैं तो भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि भी क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर ये विषय ही समाप्त करो, उसको मतलब निरस्त कर दो, क्योंकि बाबा साहब ने भारतीय संविधान इतना व्यापक तौर पर बनाया है कि जिसके कारण इस देश में क्रिमिलियर वो आदमी आपको आप हो जाता। भारतीय संविधान बोलता है कि जितनी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी भागीदारी मिलना चाहिए। ऐसा मिल रहा है क्या आपको ओबीसी समाज को? अभी नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो ये मतलब राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन महासंघ की स्थापना की गई है,
क्योंकि खाली ये लड़ाई मात्र ओबीसी की नहीं है, ये लड़ाई ओबीसी एससी एसटी एनटी वीजेएनटी इन सारे मतलब ये जो पिछड़े वर्ग के जितने लोग हैं इन सबके मिलकर है। पूर्व सांसद डॉक्टर खुशियाल बोपचे जी, राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं संजीव भांबोरे, उपसंपादक सत्य पुलिस टाइम्स विश्राम भवन भंडारा, कैमरामैन कुलदीप गंदे के साथ सत्य पुलिस टाइम्स पुलिस व सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज।